मुंबई वासियों के लिए आज आफत का बुधवार साबित हो सकता है मौसम विभाग, क्योंकि अगले 24 घंटे तक तेज बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। आपको सबसे पहले अभी की डिटेल्स हम दे दें, क्योंकि कल तेज बारिश हुई, उसके बाद आज जलभराव जगह जगह है। इसे देखते हुए स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां एहतियातन कर दी गई है। जानकारी यह है कि आज सुबह रुक रुक कर बारिश शुरू हुई है, लेकिन अभी हल्की बारिश हो रही है। दोपहर 12:03 पर हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को ये कहा गया है कि वो समंदर के किनारे ना जाएं, ऐसी एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई है। मंगलवार को जो बारिश हुई, उसके बाद आज भी कई इलाकों में लोकल ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, जल जमाव है, जिसके बाद वेस्टर्न रूट और सेंट्रल रूट पर लोकल 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही है। इसके साथ ही जो हार्बर लाइन है, उस पर भी लोकल की आवाजाही पर असर पड़ा है। आप घर से निकले तो थोड़ी सावधानी बरतें। लोकल 2 से 3 मिनट की देरी से चल रही है। यहाँ खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। कल कुछ फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, कुछ को कुछ देर होल्ड किया गया, कुछ को डाइवर्ट भी किया गया, और हो सकता है कि आज भी इसका असर देखने को मिले। मुंबई और आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी कर दी गई है। बीएमसी ने लोगों से कहा है कि अलर्ट पर रहें। बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर जैसे कि सायन इलाका हुआ, हिंद माता हुआ, यहाँ पर पानी काफी भरा हुआ है। और इसके बाद खबर एक ये भी आई कि बारिश चुकी हुई थी तो रनवे पर विमान भी एक फिसला है, लेकिन सब ठीक है वहां पर, ये जानकारी है। लेकिन आज फ्लाइट्स पर असर पड़ सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया है। आपको एहतियात बरतनी है घर से बाहर निकलते वक्त, पूरी जानकारी आपको लेनी है। मौसम विभाग पहले ही अलर्ट कर चुका है, मुंबई और आसपास के इलाकों को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। बीएमसी ये कह चुका है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें। हालांकि कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जहां किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वो हमने आपके लिए आसान कर दिया है। जानकारी हम आपको दे रहे हैं लगातार, कौन कौन से इलाके जहां पर पानी भरा है, कौन कौन से वो इलाके जहां जल जमाव की समस्या नहीं है, रूट क्लियर है। निचले इलाकों में कई जगहों पर जल भराव होने के बाद लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सड़क पानी में डूबी हुई है, कई जगहों पर इतना ज्यादा जल भराव भी है कि कार, बाइक, दूसरी गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। कई जगहों पर रेल पटरियों पर पानी भरा हुआ है। और इसके बाद हमने आपको बताया कि वेस्टर्न रूट पर 10 मिनट और सेंट्रल रूट पर 15 मिनट की देरी से लोकल चल रही है। हार्बर लाइन पर भी असर पड़ा है। ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग इलाकों की। मुंबई में आपको 21 दिन पहले का वक्त याद होगा, जब लगातार कवरेज जी न्यूज की तरफ से की जा रही थी, आपको ऐसे ही जानकारी दी जा रही थी कि आपको कहाँ निकलना है, कहाँ नहीं, क्या एहतियात बरतनी है। और एक बार फिर से कल मुंबई में लगातार बारिश देखने को मिली, कल के बाद आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। हाई टाइड का खास ध्यान रखिएगा, 12:03 पर हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। समंदर के पास आप बिल्कुल ना जाएं, ये एहतियात आपको बरतनी है।